नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमानी नथानी और एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं कुछ और, मतलब बात खेलों की ही होगी लेकिन उसमें कुछ और नमक मिर्च मसाला तड़का कुछ इस तरह से लगाएंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल का आज आखिरी दिन है, ईयर एंडर है, तो क्या कुछ पूरे साल भर रहा है, कम से कम ये तो बनता ही है ना। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं अब खेल जगत से जुड़ी जो हमारे स्टार्स हैं उनकी, क्योंकि वो जितना एक्टिव खेल के मैदान में रहते हैं उतना ही एक्टिव वो रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, या फिर कोई और भी, अगर मैं यहाँ पर नाम छोड़ रही हूँ या नहीं गिन पा रही हूँ तो आप उसे भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हर जगह आप देखिए कि वो किस तरह से एक्टिव रहते हैं, वो चाहे अपने साथी खिलाड़ी हों, उनको बर्थडे विश करने की बात हो, या फिर कोई खास मौका ऐसा हो जिस पर वो उन्हें विश करते रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चुगलबंदी जो है वो इस तरह से करते रहते हैं। और उसमें भी आप देखिए कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो सबसे आगे हैं, मतलब खेलों की हम बात करें तो खेल में और भी खेल शामिल हैं लेकिन उनमें भी सबसे आगे जो हैं वो हैं हमारे क्रिकेटर्स। तो क्रिकेटर्स खास तौर पर एक्टिव रहते हैं। अब उसमें भी जो ट्वीट्स की अगर हम बात करें तो कुछ ट्वीट्स तो ऐसे हो जाते हैं जिनको कई बार रीट्वीट किया जाता है, ना केवल उनके साथी खिलाड़ी उस पर जो चुगलबंदी जो हम कह रहे हैं यहाँ पर वो करते हैं उन चीज़ों को भी, क्योंकि किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कोई और बात पसंद आई, तो उस पर जो उनके फैंस हैं या जो ट्रॉल्स हैं वो भी उस पर कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स करते रहते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ ट्वीट्स की हम बात कर रहे हैं और इन ट्वीट्स में भी जो बाजी मारी है वो एक बार फिर से कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी ने मारी है, जो कि कैप्टन कूल के अंदाज से जाने जाते हैं और हर ओर आजकल एक बार फिर से उनकी चर्चा होने लगी है। तो यहां पर भी महेंद्र सिंह धोनी ही बाजी मार रहे हैं, ना सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी बल्कि उनकी और विराट कोहली की जो एक जुगलबंदी थी वो देखने को मिली थी ट्विटर पर, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। खेल जगत में साल 2019 का सबसे ज्यादा रीट्वीट किया जाने वाला ट्वीट विराट कोहली का बन गया है और ये ट्वीटर 7 जुलाई को किया गया था, जिस दिन MS धोनी का जन्मदिन होता है। कप्तान कोहली ने 7 जुलाई को धोनी को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। इसमें विराट कोहली ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे माई भाई, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, आई एम ग्लैड टू हैव हैड द फ्रेंडशिप आई हैव विद यू फॉर सो मेनी इयर्स, यू हैव बीन अ बिग ब्रदर टू ऑल ऑफ अस एंड एज आई सेड बिफोर यू विल ऑलवेज बी माई कैप्टन, जन्मदिन मुबारक हो भाई, मुझे खुशी है कि मैंने इतने साल तक आपसे दोस्ती की, आप हमेशा हम सभी के बड़े भाई रहेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विराट कोहली और माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की वो जो जुगलबंदी देखी गई थी ट्विटर पर, और हम यकीन नहीं मानेंगे कि इस जुगलबंदी को जो विराट कोहली ने जो महेंद्र सिंह धोनी के ट्वीट पर कुछ ट्वीट किया तो उससे 47,000 से भी ज्यादा बार बल्कि रीट्वीट किया गया। 414,000 लोग तो ऐसे थे जो उस पर कुछ कुछ कॉमेंट यहाँ पर कर रहे थे, उसको रीट्वीट करते हुए नजर आया, और 8.5 लाख लोग तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस पर कुछ 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 कॉमेंट्स भी कर रहे थे, मतलब अब उनकी मर्जी है कि उसमें कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं या उसमें कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ चीजें जो हैं वो सामने आई थी। तो मतलब आप समझिए कि अगर दो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स हो या कोई भी जो भी सेलिब्रिटीज हो, अगर वो यहां पर बात कर रहे हैं उनके बीच किस तरह की बात हो रही है, किस तरह, जाहिर सी बात है वो तो हमेशा से रहता है, चाहे कोई भी सेलेब वो हो, उनका रहन सहन कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या करते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये जो उनके फैंस हैं या पेपराजी जो हैं वो जानना चाहते हैं, और किसी ना किसी ऐसी जुगत में रहते हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। तो ये तो जब सोशल मीडिया पर हो रहा है, ट्विटर पर हो रहा है, तो क्यों ना उसमें बाकी लोग भी शामिल होते, तो बाकी लोग भी उसके साथ जुड़े, वो भी उसका पार्ट हुए, और ये कितनी बार, जैसा मैंने आपको कहा कि 47,000 बार तो सिर्फ वो रीट्वीट किया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा इस जैकेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। पहले महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट किया, फिर महेंद्र सिंह धोनी के ट्वीट पर विराट कोहली ने कोई ट्वीट किया, फिर उस ट्वीट पर कई सारे ट्वीट, रीट्वीट और फिर कमेंट्स। और रीट्वीट किए गए ट्वीट की एक सूची जारी की गई है, इसमें विराट कोहली के इस ट्वीट का पता चला। इतना ही नहीं, कप्तान विराट कोहली इस साल ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले भारतीय खिलाड़ियों में नंबर 1 पर है। यहाँ भी विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर काफी हैं। धोनी ने साल भर में महज 6 ही ट्वीट किए हैं लेकिन इसके बाद भी वे नंबर 2 पर बने हुए हैं। यहाँ भी हिटमैन रोहित शर्मा विराट कोहली से ज्यादा पीछे नहीं है और वे तीसरे पायदान पर हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और उसके बाद मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग हैं।
तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो आखिर किस तरह से एक्टिव मैदान पर भी है और सोशल मीडिया पर भी है। लेकिन आपको बताऊं कि ट्विटर इंडिया ने जो एक लिस्ट जारी की है उसमें सिर्फ पुरुष खिलाड़ी ही हैं, और पुरुष खिलाड़ी में भी कौन है? क्रिकेटर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि क्रिकेटर्स ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, मतलब यहां पर भी बाजी मार रहे हैं, मैदान पर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो दोनों ही जगह पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी देखी जा रही है। लेकिन जो बाकी खेलों की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह से ट्वीट करता हुआ नजर आया हो, या फिर एक आध किसी ने कोई ट्वीट किया हो तो किया हो, लेकिन उस पर इतने रीट्वीट्स, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स या इस तरह से नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये जो ट्विटर इंडिया ने जारी की है वो पुरुष खिलाड़ियों की सूची जारी की है और उसमें भी क्रिकेटर्स, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं बाकी खेलों की उसमें टॉप 10 तो छोड़ दीजिए, बल्कि टॉप 5 में भी वो जो प्लेयर्स हैं वो नहीं हैं जो बाकी खेलों से जुड़े हुए हैं, तो क्रिकेटर्स ही इसमें बाजी भी मारते हैं। तो टॉप 5 तो हमने आपको बता दिया कि आखिर कौन कौन से वो हैं, लेकिन उसके बाद भी तो नजर डालिए कि आखिर उसके बाद क्या है। ट्विटर इंडिया के अनुसार ट्विटर पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले खिलाड़ियों में छठे नंबर पर हरभजन सिंह है, इसके बाद सातवें नंबर पर युवराज सिंह है। सचिन और वीरेंद्र सहवाग की तरह ये दोनों खिलाड़ी भी अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन पूरे साल ये दोनों भी ट्विटर पर छाए रहे। इसके बाद आठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या का नंबर आता है, वहीं नौवें नंबर पर टीम इंडिया का एक और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है। आखिरी पायदान पर याकर किंग बूम बूम जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, यानी पूरी तरह से यहाँ क्रिकेट का ही राज है। चलिए, पुरुष खिलाड़ियों की तो बात हो गई, लेकिन महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपना विजय पताका जो है वो फहरा रही हैं। ये अलग बात है कि ठीक है वो अलग अलग खेलों की बात तो वहाँ पुरुषों की नहीं हुई, लेकिन यहाँ अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ जरूर हुआ है। और यहाँ पर महिलाओं की लिस्ट जो जारी की गई है टॉप 5 में अगर देखें तो सबसे पहले पायदान पर जो है वो है पीवी सिंधु। वहीं दूसरे पायदान की अगर बात करें तो दूसरे पायदान पर कब्जा जमाए बैठी हुई है हिमा दास। तीसरे पायदान की बात करें तो तीसरे पायदान पर सानिया मिर्जा है। चौथे पायदान पर साइना नेहवाल, और पांचवें पायदान पर एक बार फिर से क्रिकेट से ही, लेकिन इस बार महिला क्रिकेटर यानी कि मिताली राज। तो आप देखिए कि एक बार फिर से यहाँ पर क्रिकेट आ गया, तो क्रिकेट का कितना जुनून है, ऐसे ही थोड़ी ना क्रिकेट क्रेजी हम लोगों को कहा जाता है। तो ये टॉप 5 वो महिलाएं हैं जो अपना विजय पताका फहरा रही हैं। कुछ और ऐसे वीडियोस, कुछ और ऐसे रिकॉर्ड, कुछ और ऐसी बातें, फैक्ट्स जो हैं खेल जगत से जुड़े हुए, हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube के जरिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए।